द क्रिटिकल पेटियर देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीके गुफ्तगु हैं इफ़त उमर साहिबा। वो एक वेल नोन मॉडल और एक्टर हैं और उनकी शोहरत ये भी है कि शी इज़ वेरी आउटस्पोकन। मैंने आपका इंटरव्यू देखा मंसूर अली खान के साथ, जिसमें उन्होंने टैग लाइन कुछ ऐसी लगाई थी, द बोल्ड एंड ब्यूटिफुल इफ़त उमर ब्रेकिंग टैबूज। जी आई डोंट नो उन्होंने ये क्यों कहा है, क्योंकि मैं तो वही बोलती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। जी तो आप बड़ी क्रिटिक हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स की। जी और आपने ये कहा कि लोग एस्कॉर्ट के तौर पे तो मॉडल्स को पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि मॉडलिंग हराम है और पाकिस्तानी सोसाइटी में मॉडल्स को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और ये मेरा ख्याल सिर्फ मॉडल्स तक नहीं है, ये सिंगर्स के बारे में भी, एक्टर्स के बारे में भी शायद ऐसे ही रवैये हैं। सर, घर से निकलने वाली हर औरत के बारे में यही रवैया है, चाहे वो नर्सिंग में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, किसी जगह पे भी औरत होती है उसको नीचे ही लाने की कोशिश की जाती है। हमारे माशरे में तो ये बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड ओवर है अभी तक, लेकिन हमारे माशरे में तो इंतहा है। और आपने जो हराम की बात की तो उस पे मुझे फैज का वो शेर याद आता है कि आज तक जो शय थी शेख के इकराम में हराम, अब वही दुश्मन दीन राहते जहां ठहरी है। जी सर, और ये जी फोटोग्राफी पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि कल तक हमारे उलमा कहते थे कि फोटोग्राफी हराम है, जी सर, और अब किसी मौलवी की फोटो के बगैर ना कोई उनका पोस्टर छपता है, ना कोई टीवी का प्रोग्राम मुकम्मल होता है। बस जी, वो किसी तरह जब उसको एक्सप्लेनेशन अपने तई देने की कोशिश कर लेते तो सब उनके लिए हलाल हो जाता है। एंटी साइंस हमारा माशरा है, हमारा मुल्क जितना एंटी साइंस है और साइंस है, और साइंस के जितने हम अगेंस्ट हैं, आप उसका रिजल्ट देख लें, कहाँ है आज हम। आज मैं एक देख रहा था वो उनका, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब का, तो जी सर, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को डाइट प्रॉपर नहीं मिलती, 40% बच्चे तो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, और जब तक आप प्रॉपर फूड नहीं देंगे बच्चे साइंस और मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते। यही वजह है कि हमारे बच्चे साइंस और मैथ में बहुत पीछे हैं। सर खैर कोई तो खाली यही वजह नहीं है, वजूहत बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बजट का खुराक के लिए बचेगा तो हम पहले वो बड़ी बड़ी चीजें तो खरीद लें जहाँ पे हमारा एक्चुअल बजट जाता है। हम पहले वो गोल्फ कोर्सेस को मेंटेन कर लें, बड़े बड़े कंटोनमेंट्स को, DHA को, तो फिर अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो बच्चों तक पहुंचता है। जबकि अगर अगर मैं सोचती हूँ तो सबसे पहली प्रायोरिटी ही ये होनी चाहिए कि इंसान को बेसिक इज्जतदार जिंदगी गुजारने के लिए कुछ दे दो, बाद में ये नौटंकियां करना जो करनी है, जो मैं अब क्या बोलूं सर, मैं तो हम पाकिस्तान में ही रहते हैं लेकिन हमारा खर्चा जहाँ जा रहा है उसकी जरूरत क्या थी एटम बॉम्ब के बाद। एटम बॉम्ब इसलिए बनाया था ना कि अब कोई जंग का खतरा नहीं रहेगा, मतलब हमारी तो जंग अगर बॉर्डर पे नहीं हो रही तो घर के अंदर हो रही है, हम जंग से ही नहीं निकल पा रहे। जी बिल्कुल, जो न्यूक्लियर पावर के हामी थे लोग, मुझे याद है वो डिबेट, तो वो यही कहा करते थे कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई तो हम अपने कन्वेंशनल जो एक्सपेंडिचर है, कन्वेंशनल डिफेंस का एक्सपेंडिचर, वो बहुत कट कर देंगे और फिर वो हेल्थ पे और बाकी सोशल सेक्टर पे वो खर्च होगा। तो उनके जो मुखालफिन थे वो कहते थे कि भाई ये बाकी कहीं दुनिया में हुआ नहीं, हो सकता है आप कर लें, आप बड़े जीनियस लोग हैं। तो वो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, और हमारे मीडिया ने भी हमें बाखबर रखने की कोई कोशिश नहीं की कि जैसे नहीं, मीडिया का इसमें सर कसूर ही नहीं है, मीडिया का इसमें कसूर ही नहीं है, क्योंकि जो लोग मीडिया चलाते हैं वो नैरेटिव देते हैं अपना, और वो 70 सालों से चल रहा है। आप फिल्मों में देख लें, आप ड्रामों में देख लें, आप राइटिंग में देख लें कि सियासतदानों को बुरा दिखाया गया, उनसे नफरत पैदा की गई है, फिर बीच में बानो कुदसिया इश्तियाक अहमद टाइप लोग आ गए जिन्होंने कहा जी मलंग बन जाओ, ऐ जिंदगी जो कुछ नहीं करना मलंग बन जाओ, तो सारे फिर मलंग बनने लग गए, तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ना। तो मसलन इंडिया में मिड डे मील प्रोग्राम है स्कूल के बच्चों के लिए, सर इंडिया की तो रहने ही दे सर, इंडिया बहुत आगे निकल गया, तो बहुत आगे निकल। 12 करोड़ बच्चों को रोजाना न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, और
कमाल है हमारे मीडिया का कि कभी एक लफ्ज भी बताए लोगों को इस बारे में। सर कुछ भी नहीं बताते। आप मुझे बताएं कि हमारे हमारे स्क्रीन्स पे आपने कोई साइंस क्या या इंफॉर्मेशन का कोई प्रोग्राम देखा है? किसी को पता है नोबेल प्राइज किसको मिल रहे हैं? किसी को पता है नई जायदाद कहाँ हो रही है? सर बीइंग एन एक्टर बीइंग अ कॉम्पियर मैंने इतने प्रपोजल्स दिए हैं इतने चैनल्स पे कि साइंस पे कोई प्रोग्राम करते हैं लोगों को बताते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है आगे आपके पास काम करने को नहीं बचेगा इंसानों के लिए हमें अपने वो चेंज करने हैं प्रोफेशन लेकिन नहीं वो मुझे अगर लेते हैं तो रेटिंग बढ़ाने के लिए क्योंकि मैं बहुत बोल्ड हूँ लेकिन कोई क्रिएटिव काम करने के लिए नोबडी गिव्स मी अ चांस। ऑल राइट। अच्छा जी आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया जी तो सर मुझे उसका एक जोक याद आता है वहां पे बारकुल्ला खान थे इस्लामी जमीयत तलबा के जो जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है वो एक दफा आपका जो डिपार्टमेंट है फाइन आर्ट्स में गए तो वहां पे उनको एक दाढ़ी वाला नौजवान नजर आया तो वो बड़े खुश हुए और उसके पास गए कहते हैं जी देखें बाहर यूनिवर्सिटियों का इंप्रेशन ये है कि यहाँ पे एथियज्म होता है यहाँ पे इल्हाद है यहाँ पे दीन से दूरी है और आपने माशाल्लाह कितनी जबरदस्त दाढ़ी रखी हुई है। तो उस स्टूडेंट ने जवाब दिया मिस्टर बारकुल्ला दिस इज नॉट अ रिलीजियस बियर्ड दिस इज आर्टिस्टिक बियर्ड। ओए 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 ओए। लेकिन सर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैं जब यूनिवर्सिटी गई तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी मैं वैन और बस में जाया करती थी लेकिन मैं अपनी जीन्स टी शर्ट पहन के जाती थी और यूनिवर्सिटी भी ऐसी जाती थी तो पहले हमने सुना था जी जमीयत वाले स्त्रियां लगा देंगे ये कर देंगे तो मैं तो बचपन से बागी दिमाग था मेरा मैंने कहा देख लेंगे स्त्रियां लगाए मैंने से उनकी दोस्ती हो गई सर वही मेरा ख्याल रखते थे। वाह 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 जबरदस्त। अच्छा जी ये बताइएगा कि आप एक वक्त में इमरान खान की बड़ी फैन होती थी सर सारी दुनिया और उनकी फैन थी जब तक वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे और फिर जो उनकी प्रमोशन की गई जिस लिहाज से कि इनसे बेहतर इनसे नेक इससे सच्चा इंसान कोई नहीं है एंड एक्चुअली आई थॉट कि ये हम लाहौर के पले बड़े हैं मैंने इनका लाइफस्टाइल देखा हुआ है इनकी तमाम रंगीनियां भी देखी हुई हैं हम लोगों ने वेल आई थॉट ही विल बी अ प्रोग्रेसिव मैन इफ नथिंग एल्स। तो सर जब इन्होंने जुबान खोली तो उसके बाद फिर कौन फैन रह सकता कोई जिसको इतनी सी भी अकल हो या इतने से भी करीब से गुजर के सेंस कॉमन सेंस गुजरी हो आई डोंट थिंक सो दे कैन फॉलो हिम आफ्टर व्हाट ही सेड। तो आपका जो डिसिल्यूजनमेंट का सफर था दैट स्टार्टेड इन 2014 सर मैं ये पहले भी बताती रही हूँ मैं आपको सर इज्जत से कह रही हूँ एज की वजह से नहीं कह रही हमारी तकरीबन सेम एज होगी। तो हम लोग हमारी नस्ल जी ज़िया के दौर में जवान चढ़ी है हमें फौजी भाई की मोहब्बत ठोस ठोस के नसों में हमारे घुसाई गई थी क्रू कट देख के हम पागल हो जाते थे और पायलट है तो ये आर्मी में है नेवी को कोई नहीं लिफ्ट कराता था बेचारे को बट हम इस रोमांस में जवान हुए और उसके बाद बहुत बाद में जाके बल्कि इमरान खान को मैं इस बात का क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ने पे इतना मजबूर कर दिया कि आई वांटेड टू नो कि हुआ क्या है और उसके बाद जो हकीकतें मुझ पे आशना हुई हैं तो इमरान खान तो वही जो 70 साल नैरेटिव है उसी को बल्कि और गंदे तरीके से आगे बढ़ा रहे थे फैशिस्ट तरीके से आगे बढ़ा रहे थे मतलब ज़ियाउल हक़ या मुशर्रफ डिक्टेटर थे हमें पता था लेकिन आप तो डिक्टेटर से भी बुरे निकल रहे हैं आप कर क्या रहे हैं आप प्रो तालिबान हैं आप एंटी विमेन हैं आप ऐसी घटिया बातें करते हैं कि औरतें रेप अपने कपड़ों की वजह से होती हैं हम कोई रोबोट तो नहीं है अरे भाई तुम सारी जिंदगी जो करते आए हो वो बताओ कि अपने आप को कंट्रोल करो आगे से कह रहे हो कि उनका कोई कसूर ही नहीं। सो और पॉलिटिकली एक इंसान जो कहता है मैं तालिबान के साथ बैठ जाऊंगा लेकिन मैं पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठूंगा उसको पॉलिटिशियन कहना मेरे उसमें तो गुनाह है ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन जो मिलजुल के बैठ के हर आवाज को सुन के कोई फैसला करने में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन नहीं है और मुझे तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो उनका जो था
इक्तदार में जो पीरियड उन्होंने गुजारा है उसको कैसे देखते हैं आप, क्या थी उनकी अचीवमेंट्स, क्या फेलियर्स हैं, क्या सक्सेसेस हैं? सर एवरीथिंग वाज अ फेलियर, एवरीथिंग मतलब जिस इंसान का विजन ही कट्टे और मुरियां हो, जो पहले दिन खिताब में कट्टे और मुरियों का ऐलान कर रहा है, और सुना है कि सेहत कार्ड कुछ अच्छा काम वो कर गए, लेकिन मुझे उसकी भी कोई समझ तो नहीं आती कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग अच्छाई भी कर रहे हैं, बट सवाए इसके ही डिस्ट्रॉयड आर फॉरेन रिलेशन, ही डिस्ट्रॉयड आर इमेज एवरीवेयर, आप मिसोजिनस पेट्रियार्की आपके अंदर घुट घुट के बड़ी भी, आप अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि मेरी बेगम को कुछ ना कहो क्योंकि वो शरीफ घरेलू औरत है, तो बाकी जेड़िया निकल दिया ने वो बदमाश ने, की कहना चाह रहे हो? आई मीन ही इज डिमेंटेड, आई एम सॉरी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं कहना चाहिए, हालांकि मैंने एक जमाने में उनकी बहुत इज्जत भी की है बिकॉज ऑफ हिज फिलैंथ्रोपी, आई वर्क्ड फॉर हिम फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज हम उनका साथ देना चाहते थे, लेकिन अगर आप, और ये जो कहते हैं ना कि वो बड़ा करप्ट नहीं है, उसकी नीयत बहुत अच्छी है, इन चीजों से, नीयतों से मुल्क नहीं चलते, मुल्क कॉम्पिटेंस से चलते हैं, मुल्क पॉलिटिक्स से चलते हैं, और जो पॉलिटिक्स को गाली जो हमारे मुल्क में बना दी है, ये एक प्रोफेशन है, और अगर पॉलिटिशियन आपको कुछ नहीं देगा तो हम ही उसको निकाल देंगे। सो ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती है अपनी मर्जी का नैरेटिव लाने के लिए, अपने मसीहा जो ले आती है, इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो आपने ये भी कहा है कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, वो क्या है? और कई दफा उन्होंने बाल लगवाए हैं, बोटॉक्स की बात भी आपने की। सर मैंने बड़े प्यार से वो तो की थी कि सर बाल तो लगवाए हैं और मतलब मुंह पे काम भी किया हुआ, कोई मैंने इल्जाम नहीं लगाया था। और दिमागी हालत तो मुझे आई डोंट नो, मुझे कहना नहीं चाहिए, अगेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कुछ नॉर्मल बातें नहीं मुझे उनकी लगती कि आज आप कुछ कह रहे हो कल उस अपने लिए सब कुछ ठीक कहते हैं, दूसरे को उसी पे बुरा कह रहे होते हैं कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, फलां बहुत बुरी बात है, अभी वो लाश पे झूठ निकल आया है कि वो एक्सीडेंट में मरा है, उन्हीं के वर्कर की गाड़ी के नीचे आके मरा, आप फिर भी आके ये कह रहे हैं हम उसका बदला लेंगे बदला लेंगे, ये तो आप शर्त फैला रहे हैं, नथिंग एल्स, खुदा के वास्ते इस मुल्क को चलने दें, कब तक सड़कों पे रहना है भाई, कब तक? अच्छा, कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी वो कोई नशा करते हैं, इज देयर एनी सब्सटेंस टू दैट एलिगेशन? सर जब इतने लोग कहते हो, एक आदमी तो नहीं कहा, मतलब इतने लोगों ने कहा, तो मैं भी, बट मैं इसलिए नहीं कह सकती कि मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। आज मेरी बात हो रही थी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिनका ताल्लुक चकवाल से है, और उनके एक साहबजादे जो हैं एक वेल नोन मारूफ एंकर हैं, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे एक लीडर हैं जो जिला नाजम भी रहे, गुलाम अब्बास, जी उन्होंने इनके ऑनर में बहुत बड़ा फंक्शन किया, इनको बुलाया, और ये उनसे पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। क्या तो मतलब, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, मतलब उन्होंने इनको बुलाया, इनके ऑनर में बहुत बड़ा जलसा किया, तो ये उनसे उनसे पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, कौन है, ओके, उनको पता ही नहीं। हाँ, तो ओके वो भी शायद इस तरह समझ रहे थे कि ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सब्सटेंस और व्हाटएवर। सर सब आई मीन इस बात पे बहुत तहकीक होनी चाहिए, बिकॉज यू कांट गिव योर कंट्री टू समवन, अगर एलिजिडली जो भी उनके बारे में कहते हैं, मेरे ख्याल से इस पे सीरियसली उनका चेकअप होना चाहिए, मतलब आम इंसान जो मर्जी करे, मैं प्राइम मिनिस्टर के बनने के काबिल नहीं हूं और मैं ये क्लेम भी नहीं कर रही हूँ, आपने ये क्लेम किया है तो फिर आपको बड़ा टेस्ट देना पड़ेगा भाई, इतने लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं, तो यू देन गो एंड प्रूव इट, आप तो अपने जख्म दिखाने हॉस्पिटल तक अपने के अलावा कहीं जाते नहीं। अच्छा, ये तोशाखाने की बड़ी कंट्रोवर्सी बनी पिछले दिनों, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और आपको पता है ना कि हमारे एक टीवी चैनल पे दुनिया पे यही बात हो रही थी, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक क्लिप चलाया जी सर मैं जानती हूँ, कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उनको काफी तोहफे मिलते थे, तो उनकी ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता था कि इनका क्या करें,
तो उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि इनको नीलाम कर दें, ऑक्शन कर दें, और उससे वो कहते हैं कि हमें 1,000 अरब रुपया मिला, और जो हमने गर्ल एजुकेशन पे खर्च कर दिया। वाह तो वाह, क्या अच्छा ना होता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ इसी तरह की एग्जाम्पल कायम कर जाते। सर इन्होंने तो जो किया है, मतलब वो तो कोई घटिया तरीन आदमी नहीं कर सकता। आई मीन आप वहां से सस्ती चीज लेके मार्केट में प्रॉफिट में बेच रहे हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर यू आर यार। ये तो आम लोग करते हैं, मेरे जैसा कोई करेगा ये घटिया हरकत? आप प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, आप कैसे? और आप ऊपर से मदीना की रियासत के दावे करते हैं, करप्शन के खिलाफ आपका नारा है, तो आपको तो बहुत, और ऊपर से आपने हाथ में हर वक्त तस्बीह पकड़ी होती है। अब आप आके जितना मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दे कि ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है। भाई लॉ के अगेंस्ट नहीं, भाई तुम्हारे क्लेम्स के अगेंस्ट है। तुमने चोर डाकू करके हमारे दिमागों की दही बना दी, और खुद आके तुम्हारी इतनी ओछी हरकतें, और आपके क्या इल्म में मुल्क है में हम ना, अपनी शक्ल दिखाएंगे? आपके इल्म में है कि वो F7 में जो जिस दुकान का कहा गया कि उन्होंने खरीदी इनसे वो घड़ी थी या क्या था, तो वो कहता जी मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं करोड़ों का कोई कोई लेन देन कर सकूं। सर बस ये जो वो कहते हैं ना, थोड़ी चीज जो बहुत ही पै जाए तो इंसान एनजी अंधा हो जाता है। घटिया इंसान की फिर हरकतें घटिया ही रहती हैं, कि वो जाएगा अब गली की दुकान से एक पर्ची बनवा ली, ओ क्या फर्क पड़ता है, किसी नहीं पता चलेगा भाई। लगता है पता क्या हो गया है, ये मीडिया का जमाना है, एक एक चीज सोच समझ के करनी चाहिए। आप एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, बहुत बड़े ओहदे पे, हिस्ट्री में आपका नाम लिया जाएगा। व्हाट आर यू लीविंग? अच्छा जी ये बताइएगा कि आप शाहरुख की बड़ी फैन हैं और उन्होंने आपके लिए एक वीडियो मैसेज भी भेजा था, जी बिल्कुल तो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट? जी। मेरे इंडिया के एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे, वो हमारा प्रोग्राम होता था विरसा, अगर आपको याद हो, मैं और यूसुफ सलाउद्दीन करते थे हवेली में। तो वो उसमें मेहमान इंडिया से कुछ आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था आपको इंडिया से क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे तो सिर्फ शाहरुख खान से एक दफा मिलवा दे। तो उन्होंने कहा कि आपका मैं डिनर उनके साथ कराऊंगा, ही न्यू एम वेरी वेल। तो फिर हमने वीजे वगैरह की जब बात हुई, तो वो ये कश्मीर वाली प्रॉब्लम हो गई, वो आर्टिकल 370 लग गया, तो बिल्कुल वीजे शीजे बंद हो। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे सरप्राइज पे कहा कि मैंने आपको कुछ भेजा है, जरा देखें खोल के। तो ये मैसेज था। सो मैंने वैलेंटाइंस डे पे यही मैसेज अपनी उस पर पोस्ट करके शाहरुख को हैप्पी वैलेंटाइंस का और थैंक यू का, और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। वो मिलियंस में उसके व्यूज आ गए, एंड मैं तो फैन हूँ सर, हम तो शाहरुख ही है अब हमारा तो हीरो। सही। अच्छा जी मैं 96 में एक पीस कॉन्फ्रेंस थी कलकत्ता में, वहां जी सर, पे गया तो आईए रहमान हमारे लीडर थे मरहूम, हाँ जी, क्या कमाल बड़े आदमी वेल नोन जर्नलिस्ट थे, फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो सर, सेक्रेटरी कमाल जनरल रहे। इंसान थे। उनकी डेथ पे तो इतना अफसोस हुआ था, ऐसी ऐसी कीमती जाने जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो प्रोग्रेसिव थी, जो ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, और इतने कम लोग रह गए। इट्स रियली पेनफुल। तो वहां पे ना जब वो खत्म हुआ इवेंट, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें इंडियन जर्नलिस्टों ने एक सवाल उनसे जो किया जिसने उन्हें मुश्किल में डाल दिया, वो ये था कि आपके आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, म्यूजिक भी सुनाते हैं, गाने गाते हैं, हाँ कि हमारे हाँ जो आर्टिस्ट हैं उनको आप वहां नहीं बुलाते, तो जी, उस मेरा ख्याल है कि ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये इजाजत हो जाए तो जितने इंडियन आर्टिस्ट को हम बुलाएंगे ना, बिकॉज एक्चुअली तो इतनी बड़ी उनकी इंडस्ट्री है और इतने कमाल उनका काम हो गया है कि हम उनके फैन हैं। दे आर आर हीरोज एज वेल। हमारी जुबान सेम है, सेंसिबिलिटी सेम है। वो गाने का जो सब कॉन्टिनेंट का फिल्मों का जो एक सीन है, वो हम उससे रिलेट करते हैं, बिकॉज जमीन इंडस सिविलाइजेशन से ही हम भी निकले हैं ना, तो हमारे पांव थरकते हैं उनके म्यूजिक पे, हम रोते हैं उनकी एक्टिंग पे, हम हंसते हैं उनके साथ। तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। पहली बात तो है कि उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली वो नहीं माशाल्लाह दो इतने महंगे हो चुके हैं। ले मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये इजाजत हो जाए तो पब्लिक की तरफ से कोई ऐसी बात होगी कि हम उनको ना बुलाएं। मेरे ख्याल से वो खुद भी
क्योंकि बहुत आए भी हैं, मैंने अपनी लाइफ में काफी जगजीत सिंह साहब से मुलाकात हुई, जब रेखा जी आई थी उनसे मुलाकात हुई, और आते रहे, और इस तरह काफी वो भी आए थे, सोनू निगम भी आए थे, अक्षय कुमार भी आए थे, सुष्मिता भी एक दफा आई थी, उर्मिला भी आई थी, उस जमाने में ये शुरू हो गया था, बट देन सडनली फिर ये खत्म हो गया। जैसे जावेद अख्तर ने भी गिला किया ना जी, कि गुलाम अली को तो हम सुनते हैं लेकिन लेकिन लता मंगेशकर को पाकिस्तान में ऐसा मौका नहीं दिया जाता कि यहाँ पे कुछ सुने उनको। और दूसरी बात यह है कि जब भी हमारा हमारा जो एक नैरेटिव है वो यही है कि इंडिया इज एन ईवल कंट्री, तो जो लोग जिन्होंने वहां पे परफॉर्म किया है, जिन्होंने वहां करोड़ों रुपए कमाए हैं, जावेद शेख हो गए, राहत फतेह अली खान, वो कभी ऐसा बयान नहीं देते कि यार इंडिया इज नॉट सच एन ईवल कंट्री। सर वो क्या करें, उन्होंने तो वो बोलना ना जो कि गैलरी सुनना चाहती है। बड़े कम लोग अपना सच बोल के अपने करियर में या किसी चीज में कोई रिस्क लेते हैं। सो आप किसी भी, जो मैंने तो काम छोड़ दिया, मुझे काम मिला ना मिला, आई डोंट गिव अ डैम एनीमोर, तो मैं तो बोल देती हूँ जो बात सही मुझे लगती है। लेकिन इन लोगों के किचन चलते हैं, इन्होंने गैलरी को प्लीज करना होता है, तो इस तरह की बातें वो नहीं कर सकते। लेकिन आप यकीन करें कि मैं तो कोई इतनी मशहूर औरत भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ शाहरुख खान का एक क्लिप लगाया है, मेरी इंस्टाग्राम में 2 मिलियन व्यूज आए। तो आप सोचें कि अगर ये लोग भी बोलना शुरू कर दें और हमारी आपस में दोबारा ताल्लुकात ठीक हो जाए, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी एज वेल, हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ दुश्मनी लगा के रुस के बैठे हुए, और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। भी ना करो उनसे मोहब्बत, आपको मोहब्बत नहीं करनी आप ना करें, पर एडमायर तो करो यार, सीख तो लो उनसे कुछ के वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ हैं। और जाहिर बात है अगर हम भी उनको काफिर और बनिया और क्या क्या सदियों से कह रहे हैं, तो वो भी बोलेंगे, फिर कब तक सुनते रहेंगे यार। इफ यू गिव हेट यू विल गेट हेट इवेंचुअली, मतलब वो इंसान है यार, वी हैव बीन लिविंग टुगेदर, हमारे अबाओ अजदाद में पता नहीं कितने हिंदू थे, कितने कौन थे, हम भी इकट्ठे रहते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अब पहुंच गए हैं। देखे हमारा, हमें तो पार्टीशन के बाद मिली ना जिंदगी, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान को, लेकिन नेबर से लड़ा रुस्से में किस बात पे भाई, किस बात पे लड़ाई है ये। जी, हमारे अखबार आपको पता है, उर्दू अखबार जब भी इंडिया का जिक्र करते हैं तो वो ये लिखना अपना मजहबी फरीजा समझते हैं, पेट्रियाटिक ड्यूटी भी समझते हैं, कि अजली दुश्मन, अजली और मक्कार दुश्मन। सर ये तो कुछ भी नहीं है, क्या क्या जानवरों तक तो इतने बड़े बड़े लोगों ने कहा कि वो तो इंसान जैसे लगते हैं, इंसान है नहीं, टाइप बातें की हुई है। जी, सो आई तो मुझे सिर्फ, मैं कहती हूँ कि तो कख पल्ले कख नहीं है, वो तो नखरा इंज कर दे जे मैं पता नहीं की कर लिया दुनिया च। एंड मैंने तो समा, मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी में तो कोई चेंज नहीं देखूंगी, सो आई एक्चुअली गिवन अप, और मेरा जो दिल करता सही है वो मैं कहीं ना कहीं बोल देती हूँ, बाकी जाए भाड़ में, अगर नहीं समझना तो जाए भाड़ में। जी वो मैं खुद कई दफा कोट कर चुका हूँ। हमारे एक सो कॉल्ड लिबरल कुरानिक स्कॉलर थे गुलाम अहमद परवेज, जी सर, उनका एक वो किताबचा है, एक बुकलेट था, हिंदू क्या है और क्या चाहता है, जो नवाए वक्त अखबार ने सीरियलाइज किया, एंड इट लिटरली डिमोनाइज्ड हिंदूज आई नो सर, आई के ये नो। जो है ना और इंस्टाग्राम फिर जो ये होते हैं। कहते हैं कि इंडिया हमसे नफरत क्यों करता है, सदियों की नफरत दी आपने हिंदू को, सदियों की, वी वर इन्वेडर्स, आप ये बात कैसे भूल सकते हैं। और आई एम सॉरी, आज के जमाने में आई एम एंटी वॉर, आई कैन नॉट से के वॉरियर्स वर माई हीरोज, ठीक है उस जमाने की डिमांड थी, उस जमाने की नीड थी, लेकिन एंटी वॉर हूं, और मैं तो उसी को मजलूम समझती हूँ जिसपे हमले होते हैं। आगे आपकी मर्जी है, अगर आपने नहीं मानना तो ना माने। तो ये 2004 की बात है जब उन्होंने लिखा था कि हिंदूज आर एक्चुअली ब्लड थर्स्टी बीस्ट्स एंड कनिंग फॉक्सेस एंड व्हाट नॉट। या और मैं वो ये सोच लुक्स रहा लाइक था, ह्यूमन बट आर नॉट ह्यूमंस, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर इंडिया के किसी अखबार में मुसलमानों के बारे में इस तरह की बात छप जाती तो पूरे इंडिया में और पाकिस्तान में, बल्कि बांग्लादेश में भी आग लगी होती।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब उधर भी यही हो रहा है, वो हमसे, हाँ उन्होंने भी सीख ली है थोड़ा थोड़ा। एंड आई रियली होप कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि जो भी है कि इंडिया का हुस्न ही उसके सेक्युलरिज्म में है, और हम उसको एडमायर ही इसलिए करते हैं। आई लुक अप टू दोज पीपल बिकॉज वो हमसे बहुत आगे निकल गए। वी लर्न फ्रॉम देम एक्टिंग में, बीइंग इन शोबिज, जो उनका मैार है, हम तो उनके पाओं की जूती भी नहीं है। तो उसमें भी जो है ना, अगर आप किसी इंडियन से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि भाई ये जो आप गिला कर रहे हैं ना, आपने तो हमें कभी सेकुलर माना ही नहीं। आज आप कह रहे हो, इमरान खान ने भी कहा और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी कहा कि जी ये नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है। तो मैंने भी कई दफा उनसे पूछा उस वक्त भी, अब भी, कि भाई फिर आप जो हेट है, एंटी हिंदू हेट, एंटी कांग्रेस हेट, गांधी और नेहरू के खिलाफ जो हेट है, ये तो निकाल देते हैं ना टेक्स्ट बुक से फिर। सर अभी तक है, हाँ अभी तक है, यस हम बूढ़े हो गए, हमारा वही चल रहा है, वही बकवास चल रही है, वही झूठ चल रहा है। 2009 में जब मनमोहन सिंह, जो एक सिख हैं, वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो नवाए वक्त ने लिखा कि इंडिया इज अ फनेटिकल हिंदू स्टेट। कैन यू इमेजिन? ओह माय गॉड। और सर अभी भी क्या कर रहे हैं? मुझे तो, मैं बिलावल से बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों इंडिया के खिलाफ बोली जा रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये पॉलिसी चेंज नहीं करनी क्या? गैलरीज को भी खुश करते रहना है, अपने मुल्क को ठीक नहीं करना? वहां जो टमाटर 2 आने का आता है, हम वही टमाटर दुबई से मंगाते हैं 5 रुपए का। खुदा के लिए अपनी मजबूरियां समझे, अपनी जरूरत समझे। जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपने मुल्क में लोगों को जिंदगी दें, उनको इज्जत की जिंदगी दें, नहीं लड़ना किसी से। वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। जी बिल्कुल सही। और आपको याद होगा कि वो हमारी एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक बनाया था जब पिछली दफा टेंशन हुई थी एटम बम पे, यू रिमेम्बर दैट? कौन से? नहीं, मुझे वो तो नहीं, वो जो दो बहनों ने, जी, बुशरा इंसान जी, बहुत खूबसूरत बनाया था, बुशरा अंसारी और उनकी सिस्टर ने जो बनाया और था। उनकी बहन ने, बहुत प्यार, जी, गवांडी ने, नहीं गवांडी ने। तो मतलब अगर दो एक्ट्रेसेस इतनी जुर्रत कर सकती हैं, तो जावेद शेख जैसा बंदा ये नहीं कह सकता कि यार इंडिया इज नॉट सच अ बैड कंट्री, सच एन ईवल कंट्री दैट यू पोर्ट्रेट टू बी। दे आर जस्ट सेलिंग टू गैलरीज सर, जो गैलरी सुनना चाहती है वो बोलते। हमें तो ये भी नहीं समझ आती कि कुछ बातों को यार वैसे ही इग्नोर कर दो ना। हर बात पे तो नहीं बोलने की, रिएक्ट करने की जरूरत होती। बोल दिया था हमारे मेहमान ने आके, तो यार चुप कर जाते, कोई बात नहीं। उसको फैलाना, उसको वायरल करना, और आई डोंट नो, आई डोंट नो। कभी आप सख्त बात कह जाते हो। मैं भी इंडियन एक्टर्स के साथ जब काम करती थी, कोई मेरे मुल्क के बारे में जरा सी बात आती थी, मैं बोल पड़ती थी उनके आगे कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, हम ये करते हैं। आप लेते हो अपने मुल्क में प्राइड, उनका मुल्क इंडिया है, उन्होंने वहां का गिला कर दिया, तो यार इग्नोर कर दो ना। वायरल करने की क्या जरूरत होती है? एक तो यहाँ पे जो ये वायरल सिस्टम शुरू हो गया ना, हर एक के मेरे व्यूज हो जाए, व्यूज हो जाए, मुझे रेटिंग्स मिल जाए, तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज को छालते हैं, गंद को छालते हैं, कि बस अब यही रह गया, असल मुद्दों पे हम बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, मैं भी एक दफा इंडिया गया तो वहां पे उसी बिल्डिंग में एक सेमिनार हो रहा था, बड़ा एक वो जगह है, वो हैबिटेट है गलबन या क्या, तो उसमें कुछ खातून एक बात कर रही थी जी, पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ बहुत नफरत है। तो मैंने कहा जी इतनी भी नफरत नहीं है, बहुत सारे रैशनल लोग भी हैं वहां पे। और उनको मैंने एग्जाम्पल दी कि एक दफा इंडिया में मैच था जो इंडियन टीम हार गई, तो हमारे एक अखबार ने उसमें आग लगा दी थी उन्होंने उस स्टेडियम को। तो मैंने कहा जी हमारे एक अखबार ने हेडलाइन लगाई शेमफुल इंडियंस, तो उस पे कुछ लोगों ने लेटर्स टू एडिटर लिख के कहा था कि भाई कुछ तमाशाइयों के बिहेवियर को आप पूरे मुल्क के बिहेवियर से इक्वेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के लोग भी हैं सर मुझे जो तो लगता है कि हम इंडियन से नहीं, हम हिंदू से ज्यादा नफरत करते हैं। इंडिया की जगह कोई और होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। हमें हिंदू नफरत जो सिखाई गई है ना, बहुत ज्यादा सिखाई गई है कि वो ये होते हैं। मतलब बचपन में आम सी एक बात थी कि वो बड़े कंजूस होते हैं, बनिए होते हैं। अरे हाउ कैन यू फीड योर चिल्ड्रन विद दिस बुलशिट? अच्छा, तो अगर हिंदू से नफरत थी तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल, जो ऑफिशियली एक हिंदू स्टेट था,
2008 तक, उससे हमें इतनी नफरत नहीं थी, इंडिया ही से थी। इवन जी इंडिया से के बर्मा में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा है वो भी हमारे मीडिया में नहीं आता सर। चाइना में, चाइना में, सूडान में, सूडान में आपको पता 3 लाख मुसलमान मारे गए हैं 2003 से 2011 के दरमियान। हमें और किसी से मसला नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की प्रॉब्लम है कि हमने बचाना है और उनपे गजवाए हिंद कर देना है। नाउज़ु बिल्लाह, मुझे माफ करे अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, लेकिन ये जमाना जंगों का नहीं है। अगर आप दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं तो आप अकल से करेंगे, नॉट विद वॉर्स। आप अपनी नॉलेज से करेंगे, एक्सीलेंस से करेंगे। खुदा के लिए अब जंगें बदल गई हैं, जंगें अब इकोनॉमिकल हो गई है। प्रूव योरसेल्फ, मेक ब्रेन्स। यस हाय सर, बड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग हालात है, सारी जिंदगी लगता जाया ही हो गई। सो एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी कंक्लूड द शो मैम? सर बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे अगेंस्ट बहुत लोग बोलते हैं कि बिकॉज आई एम अगेंस्ट इमरान खान एंड बहुत लोग उनके साथ हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सबको कि एक तो सबके मंशूर पढ़े, उसके बाद देखें कि पास्ट में किसने कौन सा एक्ट पास किया, किस चीज पे लड़ाई की, उनके साथ क्या क्या हुआ, पुरानी कुछ किताबें पढ़ लें और ये देख के वोट दें कि हमारा लीडर हमारे मुल्क को किस सिमत लेके जा रहा है। ये मत देखें कि वो आपको प्यारा लगता है, हैंडसम लगता है, या जरदारी साहब आपको मिस्टर 10% लगते हैं, या वो आपको चोर डाकू लगते हैं। भाई चोर डाकू जितने वो थे तो फिर उतने ही तो ये भी हैं। ना उनका प्रूव हो रहा है ना आपका प्रूव हो रहा है, तो जब तक प्रूव नहीं होता हमारे लिए तो सब एक जैसे। सो जस्ट सी के कौन पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन गाली नहीं है, पॉलिटिशियन वही होता है जिसको पता होता है कि अगर मैंने वोट लेने हैं तो मुझे काम करना पड़ेगा। इमरान खान की तरह प्रोपोगेंडा करने से नहीं होगा। एनीवे आगे अल्लाह मालिक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।